हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में लीनियर अलजेब्रा पर 2 एमसीक्यूज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस यूएफ इनटू ए वेक्टर स्पेस वीएफ, देन टी इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ द नल स्पेस ऑफ टी दैट इज कर्नल ऑफ टी कंसिस्ट ऑफ द जीरो वेक्टर अलोन। क्या है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में देखिए कि हम लोग यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, ये वेक्टर स्पेस U है और एक दूसरा वेक्टर स्पेस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं V। अब जब ये वेक्टर स्पेस है तो जीरो वेक्टर तो प्रत्येक वेक्टर स्पेस में होता है, तो ये मान लीजिए जीरो वेक्टर है U का और ये जीरो वेक्टर है V का। अब इसके अलावा मान लेते हैं कि U में है अल्फा है बीटा है, इस तरीके से और भी कुछ एलिमेंट हो सकता है डॉट डॉट। यहाँ पर भी में मान लेते हैं एक भी वन है दूसरा भी टू है, इसके अलावा भी और भी कुछ एलिमेंट हो सकता है। अब ये यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड किया गया है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को टी से डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जीरो का इमेज हमेशा जीरो होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, और जीरो के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट जीरो के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। मान लेते हैं कि अल्फा भी वन के साथ हो रहा है, बीटा भी टू के साथ हो रहा है। तो याद कीजिए नल स्पेस क्या होता है, ये जो भी में जीरो है इस जीरो के साथ जो भी एलिमेंट एसोसिएट होता है सिर्फ जीरो ही हो रहा है, तो इसी के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं नल स्पेस। इसको एन ऑफ टी से डिनोट करते हैं तो या तो फिर इसको कर्नल ऑफ टी कहते हैं। ये जो यहाँ पर सेट बन रहा है सिर्फ जीरो का, इसी को नल स्पेस कहते हैं। मतलब नल स्पेस क्या हो गया, भी में जो जीरो है वो जिस जिस एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है वो सारा को हम लोग कहेंगे नल स्पेस। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर अल्फा भी, ये जो अल्फा है वो भी अगर जीरो के साथ एसोसिएट होता तो नल स्पेस में अल्फा भी आ जाता, अगर बीटा भी जीरो के साथ एसोसिएट होता तो नल स्पेस में बीटा भी आ जाता। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ उसमें सिर्फ जीरो वेक्टर ही, यू का जीरो वेक्टर भी के जीरो के साथ एसोसिएट हो रहा है तो नल स्पेस में सिर्फ जीरो है, इसको कर्नल ऑफ टी भी कहते हैं। तो ये नॉन सिंगुलर का डेफिनेशन है। देखिए टी सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ द नल स्पेस ऑफ टी कंसिस्ट ऑफ द जीरो वेक्टर अलोन। यहां पर सिर्फ नल स्पेस में जीरो वेक्टर है तो ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर अल्फा यू का मेंबर है तो टी अल्फा इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है, मतलब अल्फा का टी इमेज अगर जीरो आ रहा है तो अल्फा निश्चित रूप से जीरो होगा। अगर यहां पर कोई भी एलिमेंट जैसे मान लीजिए ये अल्फा, अल्फा का अगर इमेज जीरो आ रहा है तो अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर अल्फा का वैल्यू जीरो आ जाता है तो इसको हम लोग कहेंगे नल स्पेस। मतलब अल्फा जो है वो जीरो के साथ तभी एसोसिएट होगा जब अल्फा का वैल्यू यहाँ पर जीरो है। अगर अल्फा का वैल्यू जीरो है तभी ये अल्फा जो है वो टी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में ये जीरो के साथ एसोसिएट होगा। अब देखिए सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट ये वेक्टर अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू यू सच दैट टी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं कि यू में एक नॉन जीरो वेक्टर अल्फा है जिसका इमेज जीरो वेक्टर आ रहा है तो देन टी इज सेड टू बी सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, मैं जस्ट यहां पर बता रहा हूं। अब देखिए सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन का मैं एक वेन डायग्राम से मैं समझा रहा हूं। यहां पर मान लेते हैं कि ये यू वेक्टर स्पेस है और ये वेक्टर स्पेस भी है। अब दोनों के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड किया गया है और ये जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है यहां पर ये जीरो वेक्टर है, अल्फा वेक्टर है और यहां पर मान लीजिए जीरो वेक्टर है, इसके अलावा और भी कुछ वेक्टर होगा, जीरो जीरो के साथ तो एसोसिएट होगा और अल्फा जो नॉन जीरो है ये भी टी के साथ एसोसिएट हो रहा है। अगर ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है जिसमें ये नॉन जीरो वेक्टर अल्फा है वो भी जीरो के साथ एसोसिएट हो जा रहा है तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब जरा देखिए इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है और उस थ्योरम के आधार पर ही हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये थ्योरम। देखिए इस थ्योरम का क्या कहना है कि लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस यू एफ इन टू ए वेक्टर स्पेस वी एफ, देन टी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ टी इज 1 1।
अगर कोई टी नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो निश्चित रूप से वन वन होगा, और ये इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, मतलब अगर टी ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो वो वन वन होगा, और अगर वन वन है वो ट्रांसफॉर्मेशन तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो ये एक फर्स्ट थ्योरम हो गया, एमसीक्यू बनाने में ये सब का यूज होगा अभी। अब देख नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज इनवर्टिबल इफ टी इज नॉन सिंगुलर। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में है, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्टिबल होगा। कब होगा? इफ टी इज नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो इनवर्टिबल होगा, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो वन वन होगा। अब एक और थ्योरम हम लोग देखते हैं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज इनवर्टिबल इफ टी इज ऑन टू। अब टी जो है, अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है तो वो इनवर्टिबल होगा इफ एंड ओनली इफ टी इज ऑन टू। अगर इनवर्टिबल है तो ऑन टू होगा, अगर ऑन टू है तो इनवर्टिबल होगा। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ, ये थ्योरम और कुछ डिफिनेशन, उसका यूज करके हम लोग एक फर्स्ट एमसीक्यू बना रहे हैं। देखिए ये है कि लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आर क्यू गिवन बाय, इस तरीके से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है, ये आर क्यू में डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? एक्स वाई जेड का इमेज जो है वो 2x, 4x - y, 2x + 3y - z है, इस तरीके से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर है सवाल कि देन टी इज सिंगुलर, टी इज नॉन सिंगुलर, टी इज इनवर्टिबल, या टी इनवर्स ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स बाई टू कॉमा 2x - y, 7x - 3y - z। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकता है, ये एक सवाल मैं लिया हूँ। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अभी हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो अभी मैं बता चुका हूँ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का डिफिनेशन। नॉन सिंगुलर कब कहते हैं? जब सिर्फ जीरो वेक्टर ही, यू का जीरो वेक्टर ही भी के जीरो वेक्टर के साथ एसोसिएट होगा। देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक वेन डायग्राम से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक आर क्यू से आर क्यू में ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है, तो ये मान लेते हैं कि आर क्यू है, और ये दूसरा जो वेक्टर स्पेस है ये भी आर क्यू है, इसमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड किया गया है। अब यहाँ पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइंड किया गया? एक्स वाई जेड का आप देख रहे हैं कि इमेज क्या है, तो हम लोग पता करते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो जीरो के साथ एसोसिएट होता है। मान लीजिए ये कर्नल है, ये जो है वो कर्नल ऑफ टी है, यहाँ पर ये हम लोग लिख रहे हैं ये कर्नल ऑफ टी है। तो कर्नल ऑफ टी में अगर कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये कोई भी एलिमेंट हम लोग ले लिए कर्नल में, अब ये अगर जीरो के साथ एसोसिएट होगा ना, कर्नल में है तो निश्चित रूप से जीरो के साथ एसोसिएट होगा। तो हम लोग पता करते हैं कि कर्नल में कौन कौन सा एलिमेंट है। तो इसको पता करने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कर्नल टी। कर्नल टी में हम लोग मान लिए कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है वो एक एलिमेंट है, तो कर्नल टी का मेंबर है तो जरूर उसका इमेज जो है वो जीरो वेक्टर आएगा। देखिए ये आर क्यू का मेंबर है, ये जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर मतलब जीरो जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ये थ्री टपल्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इमेज क्या है, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का इमेज क्या है, यहाँ पर तो डिफाइंड किया गया है, तो इसका हम लोग इमेज लिख जाते हैं 2x - 4x - y - 2x + 3y - z, और इधर जो है वो जीरो वेक्टर हम लोग रहने देते हैं। तो हम लोग क्या किए, कर्नल टी का कोई भी एक मेंबर ले लिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और जब ये कर्नल टी का मेंबर है तो जरूर ये जीरो के साथ ही एसोसिएट होगा, तो इसका जो इमेज आएगा वो जीरो के साथ ही आएगा, जीरो वेक्टर होगा। और इसका इमेज हम लोग को डिफाइंड ये डिफिनेशन में दिया हुआ है, तो उसका हम लोग डिफिनेशन से लिख लिए, और यहाँ पर ये जीरो वेक्टर है। अब दोनों थ्री टपल्स इक्वल है तो फर्स्ट कंपोनेंट 2x जो है वो जीरो के इक्वल होगा, सेकेंड कंपोनेंट भी जीरो के इक्वल होगा, और थर्ड कंपोनेंट यानी कि जीरो के इक्वल होगा। तो 2x का भी वैल्यू यहाँ पर जीरो हो गया, और सेकेंड कंपोनेंट जो 4x - y है उसका भी वैल्यू जीरो हो गया, और थर्ड कंपोनेंट 2x + 3y - z है उसका भी वैल्यू जीरो हो गया। तो यहाँ से देखिए 2 डिवाइड कर देंगे इधर तो x का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और जब यहाँ पर x का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो y भी जीरो आ जाएगा। तो x और y दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जीरो, ये भी x भी जीरो हो जाएगा, y भी जीरो हो जाएगा, तो z का भी वैल्यू जीरो आ जाएगा।
तो एक्स वाई जेड तीनों जीरो आ गया, तो इसका मतलब कर्नल ऑफ टी का कोई भी अगर एक्स वाई जेड मेंबर हम लोग मानते हैं तो उस एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो जीरो और जीरो ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कर्नल टी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जीरो वेक्टर है, सिर्फ जीरो वेक्टर। क्योंकि अगर कर्नल टी का कोई भी एलिमेंट हम लोग यहाँ पर माने एक्स वाई जेड तो उस एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो आ गया। तो इसका मतलब कर्नल टी में सिर्फ जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो यही वेक्टर होगा, मतलब जीरो वेक्टर होगा। तो हम लोग तो अभी पढ़ चुके हैं कि अगर कर्नल टी में नल स्पेस में सिर्फ जीरो वेक्टर हो तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर, तो इंप्लाइज टी इज नॉन सिंगुलर। अब जब टी नॉन सिंगुलर हो गया तो अभी हम लोग थ्योरम पढ़े हैं कि अगर टी नॉन सिंगुलर होता है तो देखिए मैं थ्योरम बताया हूँ यहाँ पर कि अगर टी नॉन सिंगुलर होता है तो वो इन्वर्टिबल होता है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज इन्वर्टिबल इफ टी इज नॉन सिंगुलर। तो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ कि टी नॉन सिंगुलर और ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में आर क्यू में है जिसका डायमेंशन 3 होता है। तो टी जब नॉन सिंगुलर है तो टी इन्वर्टिबल भी हो गया। तो कौन कौन सा यहाँ पर अभी तक ऑप्शन ट्रू हो चुका है, देखिए एक तो टी नॉन सिंगुलर हो गया मतलब बी ऑप्शन ट्रू है, फिर टी इन्वर्टिबल हो गया, सी ऑप्शन भी ट्रू है। टी सिंगुलर तो नहीं होगा, जब नॉन सिंगुलर है तो टी सिंगुलर तो नहीं होगा, ए ऑप्शन तो ट्रू नहीं होगा। अब ये जो डी ऑप्शन है ये चेक करते हैं कि टी इनवर्स ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये इसके बराबर है या नहीं। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जरा समझिएगा एक सेकेंड जस्ट। हाँ ये अब देखिए आगे कि नाउ लेट टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू आर कॉमा एस कॉमा टी। इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड जो है ये वेक्टर स्पेस यू का मेंबर होगा और मान लेते हैं कि इसका इमेज आर कॉमा एस कॉमा टी है। तो देखिए टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का ये डेफिनेशन है, यहाँ पर इस डेफिनेशन से इसका वैल्यू हम लोग लिख लिए और इधर ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब ये दोनों थ्री टपल्स इक्वल है तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा, 2x जो है वो r के इक्वल हो जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट 4x माइनस y जो है वो s के इक्वल हो जाएगा और थर्ड कंपोनेंट 2x प्लस 3y माइनस z जो है वो t के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 इधर डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू r बाई 2 आ जाएगा। अब x का वैल्यू अगर यहाँ r बाई 2 बैठा दें तो यहाँ हो जाएगा 2r और s को इधर ले आएंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 2r माइनस s। इसी तरीके से जब x और y का वैल्यू आपका निकल चुका है तो यहाँ पर पुट करके बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू 7r माइनस 3s माइनस t आएगा। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं बहुत इजीली निकल जाएगा। तो अब देखिए जब यहाँ पर देखिए t ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू आर कॉमा एस कॉमा टी माने हैं तो t इधर आ जाएगा, t इनवर्स ऑफ आर एस टी का वैल्यू x कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाएगा। जिस तरीके से फंक्शन में डिफाइंड होता है उसी तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी t इनवर्स डिफाइंड होता है। हम लोग t को इधर ले आएंगे, t इनवर्स हो जाएगा, t इनवर्स ऑफ आर एस टी और इधर क्या बच जाएगा एक्स वाई जेड, तो टी इनवर्स ऑफ आर कॉमा एस कॉमा टी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। यहाँ टी इनवर्स आर कॉमा एस कॉमा टी रहने देते हैं और एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग देखिए यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, एक्स का वैल्यू आर बाई टू है, फिर वाई का वैल्यू टू आर माइनस एस है, फिर जेड का वैल्यू सेवन आर माइनस थ्री एस माइनस टी है, तो ये पुट कर दिए। अब यहाँ पर जो हम लोग आर एस टी लिखे हुए हैं उसकी जगह एक्स वाई जेड भी पुट कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन होता है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसमें कोई भी यहाँ पर वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ r के जगह x, x के जगह y और t के जगह z पुट कर रहे हैं, इधर भी r के जगह x, y के जगह s के जगह y और z t के जगह z पुट कर देंगे तो ये आ रहा है। तो अब देखिए ये जो थर्ड ऑप्शन है वो भी फोर्थ ऑप्शन जो है t इनवर्स ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू ये जो आ रहा है b ऑप्शन ये भी ट्रू हो गया। तो ये इस एमसीक्यू का ये तीन ऑप्शन ट्रू है, बी भी, सी भी और डी भी। अब चलिए हम लोग एक और एमसीक्यू देखते हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर, आप जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर क्यू से आर क्यू में, डिफाइंड हो रहा है इस तरीके से टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो और एक एस एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में डिफाइंड हो रहा है किस तरीके से, एस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू टू एक्स कॉमा थ्री वाई बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द रियल वेक्टर स्पेसेस आर क्यू एंड आर स्क्वायर। ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तो आर क्यू में टी डिफाइंड हो रहा है और दूसरा जो एस है वो आर स्क्वायर में डिफाइंड हो रहा है। तो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, टी एंड एस बोथ सिंगुलर, सेकेंड है टी एंड एस बोथ नॉन सिंगुलर,
टी थर्ड है टी इज सिंगुलर एंड सी ए सी इज नॉन सिंगुलर, और डी में है ए सी इज सिंगुलर एंड टी इज नॉन सिंगुलर। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ सिंगुलरिटी चेक करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, जिस तरीके से अभी एक सवाल में बताया था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी सिंगुलरिटी चेक करेंगे। जैसे सबसे पहले टी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आर क्यू से ये एक आर क्यू वेक्टर स्पेस है, और इस वेक्टर स्पेस से यहाँ आर क्यू में ही एक डिफाइंड किया गया है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है। और कैसे डिफाइंड किया गया, डेफिनेशन आप देख रहे हैं, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। तो यहाँ पर कर्नल जो आएगा, ये मान लीजिए कर्नल है, कर्नल जो होता है वो इसी का सब स्पेस होता है, तो ये मान लेते हैं कर्नल ऑफ टी है। तो कर्नल ऑफ टी में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये कोई भी एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं। जब ये कर्नल टी का मेंबर है तो वो किसके साथ एसोसिएट होगा, वो जरूर जीरो वेक्टर के साथ एसोसिएट होगा। जीरो वेक्टर यहाँ क्या होगा, जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो होगा, ये जीरो वेक्टर आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक सेकेंड जस्ट, हाँ अब देखिए यहाँ पर लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, मान लिया कि एक्स वाई जेड जो है वो कर्नल टी का मेंबर है। तो जब कर्नल टी का मेंबर है तो उसका इमेज जरूर ये जीरो वेक्टर आएगा। अब इसका इमेज क्या है, डेफिनेशन से क्या कहता है, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो है, तो इसका इमेज एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो ले लिया और ये इधर जीरो का त्यों रहने दीजिए। अब दोनों थ्री टपल जब इक्वल है तो एक्स जीरो के बराबर होगा, वाई जीरो के इक्वल होगा, और जीरो तो जीरो के बराबर है ही यहाँ पर, तो एक्स का भी वैल्यू जीरो हो गया, वाई का भी वैल्यू जीरो हो गया। तो अगर कोई भी एलिमेंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कर्नल टी का मेंबर मानते हैं तो एक्स और वाई तो जीरो है। अब जेड यहाँ कुछ नहीं निकला, जेड तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग जेड ले लेते हैं तो इसका इमेज ये आ जाएगा। अगर एक्स वाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का इमेज ये जीरो वेक्टर से लाना है तो इसके लिए एक्स को और वाई को जीरो रखना पड़ेगा, जेड कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो जेड की जगह हम लोग यहाँ पर टू भी रख सकते हैं, वन भी रख सकते हैं, थ्री भी रख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं। तो कर्नल टी में कौन सा मेंबर आ गया, ये मेंबर आ गया, एक्स भी जीरो रहेगा, वाई भी जीरो रहेगा, और जेड की जगह कुछ भी मेंबर हो सकता है यहाँ पर, वन भी हो सकता है तो वन हो सकता है। तो कर्नल टी में सिर्फ जीरो वेक्टर रहे तभी तो उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो यहाँ पर जीरो वेक्टर तो सिर्फ नहीं है, यहाँ जेड की जगह वन भी रख सकते हैं, वन रखेंगे तो नॉन सिंगुलर, ये नॉन जीरो वेक्टर हो गया। टू भी रख सकते हैं जेड की जगह तो भी नॉन सिंगुलर हो गया, यहाँ थ्री भी रख सकते हैं तो भी वो सॉरी ये नॉन जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो कर्नल टी में कई नॉन जीरो वेक्टर है यहाँ पर, वो जीरो वेक्टर सिर्फ नहीं रहेगा, तो जीरो वेक्टर नहीं रहेगा इसका मतलब टी जो है वो सिंगुलर है। तो टी तो सिंगुलर हो गया। अब इसी तरीके से बिल्कुल हम लोग देखेंगे एस के बारे में। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए उसी तरीके से जिस तरीके से ये टी को हम लोग सिंगुलरिटी चेक किए, इसी तरीके से मान लेते हैं कि कर्नल ऑफ एस में एक्स कॉमा वाई है। जब ये कर्नल ऑफ एस का मेंबर है तो एक्स कॉमा वाई का इमेज निकालेंगे, या टी इमेज नहीं बल्कि एस इमेज होगा। तो एस इमेज जो है वो किसके बराबर आएगा, जीरो कॉमा जीरो। क्यों जीरो कॉमा जीरो, क्योंकि जब कर्नल का मेंबर है तो इसका इमेज तो जरूर जीरो वेक्टर होगा। अब एस ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या डेफिनेशन है, देखिए यहाँ पर डिफाइंड किया गया एक्स एस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू टू एक्स कॉमा थ्री वाई है। तो यहाँ पर टू एक्स कॉमा थ्री वाई लिख दिया इसका जो डेफिनेशन था, और जीरो कॉमा जीरो। अब फर्स्ट कंपोनेंट का इक्वल तो 2x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू जीरो आ जाएगा। अब 3y इक्वल टू भी जीरो होगा, तो यहाँ से y इक्वल टू जीरो आ गया। तो कर्नल ऑफ s का मेंबर अगर x कॉमा y मानते हैं तो x और y दोनों जीरो आ गया। तो कर्नल ऑफ s में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, जीरो कॉमा जीरो, और ये जीरो वेक्टर हो गया। तो अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कर्नल में या नल स्पेस में सिर्फ जीरो वेक्टर हो तो वो नॉन सिंगुलर होता है। तो इसीलिए एस क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। तो टी जो है वो सिंगुलर हो गया और एस जो है वो नॉन सिंगुलर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू होगा, देखिए थर्ड ऑप्शन में टी सिंगुलर है और एस जो है वो नॉन सिंगुलर है, मतलब थर्ड ऑप्शन ट्रू होगा। टी फर्स्ट ऑप्शन में है टी एंड एस बोथ सिंगुलर, ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है टी एंड एस बोथ नॉन सिंगुलर, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है डी सिंगुलर सॉरी एस इज सिंगुलर एंड टी इज नॉन सिंगुलर, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सी ट्रू है। तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं सिंगुलरिटी पर, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर दो एमसीक्यू,
अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में भी लीनियर अलजेब्रा पर मैं 2 एमसीक्यू बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।